Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the deepest end. ओ भैया खाना खाया अटक जाता है यार, क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? देखो जी बंदा वही है, बस जैकेट चेंज है। अबे साले जो माफ करना मैं जो सॉरी सॉरी। चलो जी आज जो है इस वीडियो का, अरे एक मिनट कुछ मिस कर रहे हैं, पता है क्या इंट्रो। सो गाइस वेलकम टू बी वेलीगान, मैं प्रतीक शर्मा, और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया, स्टार्ट का कंटिन्यूशन ही है भैया, स्टार्ट तो हो रखा है हमारा LNT, ठीक है जी, लॉ इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देख रहा था माइक सही से कनेक्टेड तो है ना। चलो जी LNT जो हमारे यहाँ स्टार्ट हो रखा है, इसके अंदर हम कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं लास्ट के, वो जो है फटाफट से हम कवर कर लेते हैं। क्या है जी नोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी या टेक सोसाइटी, कुछ भी कह लो उसको, क्या है ये, क्या कहना चाह रहा है ये? देखो जी ये कहना चाह रहा है कि जो यूल्स है, बंदे का नाम है EELLUS, ठीक है, यूल्स मेन पर्पस इज टू एक्सप्लेन द रोल टेक्निक हैज अज्यूम्ड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड टू कॉल अटेंशन टू द नीड टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। वही चीज़ है कि जो लोगों की नीड्स है उसको जो है हमने कैसे लाना है, मतलब फुलफिल करना है, लाना तो ऑब्वियसली नीड है, वो है अकॉर्डिंग टू यूल टेक्निक अरोज इन 18th century, ठीक है, यूल की जो टेक्निक है वो 18th century में हुई थी। अकॉर्डिंग टू इट एवरी इन्वेंशन आफ्टर अबाउट 1750 हैड नेसेसरी एंटीसीडेंट विच हैड इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ टेक डिस्कवरी। 1750 के बाद जो है यार देखो नीड होगी तभी तो कुछ बनाओगे, ये आपको सिंपल आपको समझ आना चाहिए। अब आपको अगर ज़रूरत है कि भाई हमें हाँ एक ऐसा डिवाइस बनाना है जो हम हाथ भी करके सीधा फ़ोन घुमा के हम बात कर सकें, बार बार कौन कबूतरों को भेजेगा आप जा, तो नीड दी, तो उस वजह से मोबाइल बने। तो नीड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉपुलेशन एक्सपेंशन विच इंक्रीज द डिमांड, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारा बढ़िया हो गया था, और द सोशल मिल्यू, तो बंदे आएंगे, जितने ज़्यादा बंदे आएंगे उतनी नीड बनेंगी, नीड बनेंगी तो फिर उतनी इन्वेंशंस आएंगी। ये था इसमें ये आता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। क्या भैया इकोनॉमिक कंसिडरेशन कुछ नहीं है, कहता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी समटाइम कॉल्ड इंटरमीडिएट टेक मोर ऑफ एन इकोनॉमिक कंसर्न रेफर टू कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन सेंट्रल एंड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलप्ड नेशन एंड दोज द डेवलपिंग नेशन फाइंड मोस्ट इफेक्टिव टू डिप्लॉय गिवन एन एक्सेस ऑफ लेबर एंड स्कैरसिटी ऑफ कैश। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, निचोड़ कुछ नहीं है, निचोड़ यह है कि डेवलप्ड कंट्री के साथ ना एक डेवलपिंग कंट्री को समझौता करना पड़ता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा जो कि ऑलरेडी डेवलप वाले के पास है। सीधा जो है हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होकर, हाँ भाई चल इतने में देते हैं, देते हम सीधा ले लेते हैं, अपने भी बनाएंगे, उससे एक बार ले लिया हमें आइडिया मिल जाएगा अच्छा ये है, तो फिर हम उसको सस्ते में, देखो मोबाइल फ़ोन है समझ लो, ठीक है, अब हम पूरी इन्वेंशन स्टार्ट करेंगे, अच्छा स्क्रीन यहाँ लगनी चाहिए, अच्छा कैमरा यहाँ, अच्छा जी अच्छा, इतना टाइम लगाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, सारी चीज़ें बहुत लगेगा, बन जाएगा, ऐसी बात नहीं बनी बनेगा, लेकिन अब हम यही कहीं से उठा के लें, USA से उठा के लाएंगे कोई फ़ोन, ठीक है, USA से हम उठा के लाएँ नोकिया 3310, ठीक है, 3310 उठा के ले आए, हमने देखा, अरे अच्छा इसमें इधर कैमरा है, इधर ये है, अच्छा अच्छा ऐसे बनता ही है, चलो ठीक है बना देते, कोई दिक्कत नहीं, और उसके अंदर और इन्वेंशन, अब हम R&D में पहुंच जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अच्छा कैमरे को यहाँ करें, काम करते स्क्रीन को ऐसा कर दे, अच्छा एक काम करें स्पीकर को यहाँ कर देते, ये चीज़ है, तो हम पहले वो बना रहे थे अब हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन, तो ये चीज़ होती है। दस इकोनॉमिक इट सेल्फ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नो कैपिटलिज्म, टेक्नो डिफ्यूजन, एक्सेप्टेंस मोड्स, लाइफ साइकिल ट्रांसफर, तो ये चीज़ है। टेक्नोलॉजी कई चीज़ों में घुसी हुई है, अभी ये समझ लो, तो इकोनॉमिक्स में भी हमारी घुसी हुई है, हमको इकोनॉमिक्स में भी आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी चाहिए, कंप्यूटर से फटाफट एक्सेल शीट खोली फटाफट कर दिया, सारे GDP निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोशियोलॉजिकल फैक्टर एंड इट्स इफेक्ट क्या है भैया, कह रहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी बाय चेंजिंग एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटीज। पहले तो होता था रोटी कपड़ा मकान जो है एसेंशियल्स है, अब तो भैया जी रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ फ़ोन भी आ गए हैं, बिना फ़ोन के तो भैया तो है बड़ा मुश्किल है। तो सोशियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है जी, इसमें क्या आ जाता है सोशियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर, मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू, भाई हर किसी ना मैकेनिस्टिक सी हो जाती है, मटेरियलिस्टिक जैसे नहीं बोलते वैसे, मतलब व्यूइंग द यूनिवर्स एज कलेक्शन ऑफ पार्ट्स लाइक मशीन दैट बी इंडिविजुअली एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड, तो हर चीज़ ना मशीन, हम हर चीज़ में मशीन चाहिए जी, हमें तो ये चाहिए कि कोई काम वाली ऐसा आ जाए जो ऑटो ले, वो भी आ गई है
कह रहा था कि जैसे काम वाली होती है हमारे यहाँ पर आती है या खुद करना पड़ता है, दो चीज़ें हैं, हम ये चाहते खुद हो जाए, वो भी कर दिया। MI ने रोबो क्लीनर निकाल तो रखा है, रोबोट क्लीनर, कुछ नहीं है, सीधा उसको चला दो, पूरे घर का मैप ले लेगा और फटाफट सफाई करके तुम्हारा चुपचाप अपने चार्जिंग डॉक पे लग जाएगा, वो भी निकल गया। तो हम एक हर चीज़ को मैकेनिस्टिक व्यू में देखते हैं, मेटलिस्टिक व्यू होता है ना जैसे, ऐसे ही मैकेनिस्टिक व्यू, हर चीज़ में हमें मशीन चाहिए जी, दरवाज़ा अपने आप खुल जाइए, अपने लाल हो जाए बैठ के बस। एफिशिएंसी, बिल्कुल जी, एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेन अ हायर एंड हायर परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस आउटपुट और एबिलिटी। तो वही चीज़ है भाई, मैकेनिस्टिक में ऑब्वियसली भाई सारी चीज़ें मैक्सिमम आउटपुट में ही निकलेंगी, ठीक है जी। सोशल प्रोग्रेस भी जो है इससे होती है हमारी, एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन है जी, बिल्कुल है। खैर जी, मैनी केमिकल वेस्ट एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस बाई इंडस्ट्रीज, दिस इज़ द नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है जी। तो सम टेक्नोलॉजीज़ आर डिज़ाइंड स्पेसिफिकली विद द एनवायरमेंट इन माइंड, तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को करते हैं कि भैया गंद ना निकले या फिर कुछ निकले तो वो एनवायरमेंट को इतना इफेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल CNG भाई निकालने का वो यही तो था मेन मोटिव, क्या था CNG का, तो भैया हमारा जो है एनवायरनमेंट को नुकसान ज़्यादा ना हो। डीजल को बंद करने का मोटिव क्या था एनवायरनमेंट को, पेट्रोल तो चलो हालांकि कर रहा है लेकिन डीजल ज़्यादा कर रहा था, उन्हें CNG निकाल दी, पर पेट्रोल वालों को भी तो रखना है, तो वो चीज़ें। तो द इफेक्ट ऑफ टेक ऑन एनवायरनमेंट आर बोथ ऑब्वियस एंड सबटल, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। सो द मोर ऑब्वियस इफेक्ट इंक्लूड डिप्लिक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो भैया पेट्रोल वगैरह हमें चाहिए तो हम निकालेंगे, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ भी कर रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं पड़े रहने देंगे, तो ठीक है यूज़ हो रहे हैं, टाइम लगेगा उसको बनने में, लेकिन हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हम उसे ख़राब नहीं कर रहे, मतलब यूँ समझो आप इसको कि ख़राब करना और यूज़ करने में फ़र्क होता है। हाँ, एक्स्ट्रा यूज़ करना भी इज इक्वल टू ख़राब करना, कि आगे वाली जनरेशन के लिए बचा ही नहीं, एक पर्टिकुलर उसमें यूज़ भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो बन भी रहा है यूज़ भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब करना तुम दबा के पॉल्यूशन कर रहे हैं वो होता है ख़राब, ठीक है जी। तो ऑब्वियस है यूज़ करना, तो ये था जी हमारा। इसके बाद आता है जी लॉ, एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, क्या कोई लॉ का रिलेशन एथिक्स से है या क्या है। लॉ इज़ ऑफन टू डील विद द टेक, टेक मे चेंज द कंटेंट ऑफ प्रोटेक्टेड लीगल इंटरेस्ट केस ऑफ प्राइवेसी विच हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय राइज ऑफ IT। तो जो अब देखो पहले के टाइम पे कोई भी प्राइवेसी वाइवेसी कुछ नहीं होती थी, कोई कहीं घुस जाए कुछ हो जाए, पर IT के उसमें जैसी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया एकदम भाई कई तरीके के बन गए कि नहीं जी तुम किसी के फ़ोन को हैक नहीं कर सकते, किसी के फ़ोन को ये नहीं कर सकते, वो IT आ गया, तो राइज ऑफ IT बिल्कुल है जी लॉ के अंदर है। लॉ एम्प्लॉयज टेक्नोलॉजी टू परस्यू इट्स ओन गोल्स, अब तो आजकल तो ऐसे भी कह रहे हैं कि जज भी हम AI से ही कर देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि भैया सीधा केस सुने अपनी समझ सूझबूझ लगा के, कई हो गया कंट्रीज में स्टार्ट लेकिन टाइम लगेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, ई डॉक्यूमेंट, ई सिग्नेचर, ये सारे वैलिड कर दिए लॉ ने, तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लॉ में आ रही है। द चेंज इन द टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑल्सो द सोर्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रूल्स, तो टेक्नोलॉजी के आने से सोर्स भी इफेक्ट होता है और उसका जो स्ट्रक्चर जो ढांचा बना हुआ है वो भी इफेक्ट होता है, ठीक है जी। तो टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस क्या हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, इसको आप अपनी किताब में जो भी आप किताब रेफर कर रहे हो उससे कर सकते हो, इतना ज़्यादा समझ जाओ बस। इंटरनेट प्राइवेसी, स्टूडेंट डेटा, साइबर बुलिंग, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक ट्रेसिंग, IP एड्रेसेस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कॉपीराइट, फेयर यूज़, क्रिएटिव कॉमन, फेसबुक, कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे आ जाता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये हो गया जी हमारा LNT, ठीक है जी। लॉ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यही था, ठीक है। अब आगे जो हम और सब्जेक्ट्स को भी जो है कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी बेली ग्रैंड प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। सब्सक्राइब करके जाना, जो बेल आइकन है ना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑल पे कर दिया करो ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके फ़ोन में। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया भैया यूट्यूब ने, मैंने नहीं बनाया, मेरा नहीं है यूट्यूब ने आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन बनाया। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, सजेशन बिल्कुल करिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसलाइक करने के बाद एक रीज़न बता दीजिएगा कि क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि भाई इंप्रूव भी तो कर सकें, और अगर नहीं बताते तो समझ जाओ फिर हेटर्स की कैटेगरी। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, सारे वहाँ पर कॉन्टैक्ट लिंक है मेरे, इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वैसे बताता हूँ ANDRO_GUY एंट्रो का है। बाकी अगर फ़ोन पे बात करनी है मेरे से तो कॉल मी फॉर ऐप से जो है आप मेरे से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, आउटरो दे दिया तो दोबारा दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी बेली ग्रैंड प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय एंड टेक केयर, कोरोना से बच के।
जब तक करवा नहीं जाएगा तब तक बोलने का हक है मेरा, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल आप 10 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो।